सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 2। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस सेट 1 नहीं लगाएं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको 5 सेकेंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए, प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, 1945 में। और देखिए, यह प्रथम जो विस्फोटक हुआ था इसका, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा पे गिराया गया था। तो अच्छे से फ्रेंड समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और देखिए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है, दोनों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित है। तो देखिए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे भी बताए थे फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए, प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था, 1952 में। और देखिए, यह परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आता रहे, जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका बताइएगा। तो देखिए, रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए, फ्रैंक विटर जो है यह जेट इंजन का आविष्कार किए हैं। और देखिए, लैंड स्टीनर रक्त समूह का आविष्कार किए हैं फ्रेंड्स। और देखिए, मार्कोन ये भी इम्पोर्टेंट है, यह रेडियो और टेलीग्राफ का आविष्कार किए हैं, सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रिनो की खोज जो किए थे वो पाउली किए थे, पाउली एक वैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो रदरफोर्ड हैं वो नाभिक का खोज किए हैं, रदरफोर्ड नाभिक का खोज। और देखिए, जो जॉनसन है वो माइक्रोस्कोप का, इम्पोर्टेंट है फिर जॉनसन जो आविष्कार किए हैं इसका, माइक्रोस्कोप का। और फ्रेंड देखिए, चैडविक है न्यूट्रॉन कहेगा तो चैडविक, और न्यूट्रिनो वगैरह तो पाउली, तो इम्पोर्टेंट, सबको अच्छे समझ लेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, मतलब आवर्त सारणी का फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आवर्त सारणी के नियम की खोज, तो देखिए, आवर्त सारणी के नियम मेंडलीफ ने, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, मेंडलीफ। और देखिए, टोरिसेली जो हैं यह बैरोमीटर का आविष्कार किए थे, टोरिसेली। और आइंस्टीन को देखिए, यह सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन। और जॉनसन अभी बताए थे माइक्रोस्कोप, तो सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स,
तो देखिए प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, इसके द्वारा बनाया गया था। और देखिए पाउली के बारे में भी ऊपर बताए थे। और देखिए मोसले जो हैं, जो मोसले हैं यह परमाणु संख्या का आविष्कारक है। और देखिए रोजन बैकन जो हैं फ्रेंड्स, यह गन पाउडर का आविष्कारक है। सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, भी बताए थे ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था, भी बताए थे फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। यह परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए प्रोटॉन धन आवेश युक्त प्रकार का कण होता है, तो इम्पोर्टेंट है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सभी को बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त प्रकार का कण है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, ऋण आवेश। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो देखिए न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। कब किए थे, तो 1945 में फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है 1945 में। और देखिए माइकल फैराडे डायनोमो का आविष्कार किए थे, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और देखिए फ्रेंड्स विलियम सॉल यह ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे, विलियम सॉल ट्रांजिस्टर। और देखिए गैलीलियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे गैलीलियो ने, तो सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबको सब क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझते चलिएगा फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, अभी बताए थे फ्रेंड। तो प्रथम परमाणु बम 1945 में। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और देखिए एंडरसन जो पाजिस्टान की खोज किए थे, और रदरफोर्ड देखिए फ्रेंड्स नाभिक का खोज किए थे, और देखिए जेम्स चैडविक या न्यूट्रॉन का खोज किए थे, तो सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने किया, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, गोल्ड स्टीन। और एंडरसन अभी बताएं पाजिस्टान का खोज, रदरफोर्ड बताएं फ्रेंड्स अभी न्यूट्रॉन नाभिक का खोज, और जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज, तो सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज अभी बताए थे, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन तो चैडविक, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स।
तो देखिए, पोलियो के टीका का खोज जान इस साल, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए, जान हैरिसन जो हैं यह क्रोनोमीटर का आविष्कार किए थे, क्रोनोमीटर, और थॉमसन बताए थे इलेक्ट्रॉन का। और देखिए, जेड जानसेन, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो जेड जानसेन माइक्रोस्कोप का खोज किए थे, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जेड जानसेन माइक्रोस्कोप का खोज किए थे, तो सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए, मेंडलीव जो आविष्कार किए थे आवर्त सारणी का, अभी बताए थे टोरिसेली बैरोमीटर का, और देखिए माइकल फैराडे डायनेमो का, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो बताए थे ऊपर अभी फ्रेंड्स, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और सभी को बारे में बताए थे फ्रेंड्स, अच्छे से ऊपर देखेंगे तो याद होगा आप लोगों को। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है, तो देखिए सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कारक है, तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन है फ्रेंड्स। तो देखिए, टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए, जो मार्कोनी है रेडियो का आविष्कारक किए हैं, गैलीलियो टेलीस्कोप का आविष्कारक, और थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कारक, सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सोलर सिस्टम किसने खोजा था, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, सोलर सिस्टम कापर निकस ने खोजा था, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, कापर निकस। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगल क्या है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगल न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था, मैक्स प्लैंक ने, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मेंडलीव, आवर्त सारणी और मैडम क्यूरी, देखिए फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, मैडम क्यूरी रेडियम का खोज की थी, मैडम क्यूरी। और देखिए, रॉन्टजन यक्ष कीड़ों की खोज किए थे, रॉन्टजन, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता का आविष्कारक कौन है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियो धर्मिता का आविष्कारक हेनरी बेकुलर, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, हेनरी बेकुलर। और देखिए, आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत,
रॉबर्ट कोट को आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, और लैंड स्टीनर रक्त समूह का खोज, अभी ऊपर बताए थे फ्रेंड्स, सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बिग बैग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रसिद्ध बिग बैग थ्योरी डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूक्ष्म तत्व हाइड्रोजन होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। और देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अप्सरा। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकॉन वैज्ञानिक थे, वो किए थे, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, मिलिकॉन। और देखिए, इलेक्ट्रॉन के खोज जे टॉमसन, तो कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो देखिए फ्रेंड्स, लकड़ी की आयु कार्बन 14, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, कार्बन 14। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो फ्रेंड्स किससे किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियोकार्बन डेटिंग से होती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अभी यूरेनियम डेटिंग से बताए थे, तो सबको अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, गामा किरण की खोज पाल विलार्ड ने, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, रदरफोर्ड के बारे में भी बताए थे, रॉन्टजन के बारे में भी बताए हैं, और बेकुलर के बारे में बताए थे, तो सबको अच्छे से आप लोग पीछे समझे ही होंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह रेलवे का क्वेश्चन है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पोलोनियम की खोज मेरी क्यूरी ने किया था, तो ऑप्शन हमारा सी से था, पोलोनियम की खोज मेरी क्यूरी।
तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सैमुअल कोहेन। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था 1952 में, बताए थे फ्रेंड्स। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपन हेमर ने, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कब किए थे? तो 1945 में किए थे, बताए थे ऊपर अभी।